हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ख़ास चीज़ जो कि बहुत ही यूनिक है और यूज़फुल भी है आज के टाइम पे, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसकी ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ये देखिए क्या है। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कैसे करता है ये काम और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, हमें ये थोड़ा कम कीमत में मिला है, इसलिए इसकी पैकिंग हमें ऐसे रैप पॉलीथीन में मिली है। तो आप देख सकते हैं क्या है ये। यह एक ब्लेड जिसे हम मोटर में लगाएंगे और यह है मेन मोटर फ़ैन की। इसमें आपको यूएसबी पोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दो पॉइंट मिलेंगे, यूएसबी टाइप ए और माइक्रो यूएसबी या यूएसबी पॉइंट बी, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली आप पावर बैंक में, लैपटॉप में या अपने किसी भी यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हैं। और साथ में माइक्रो यूएसबी पॉइंट पोर्ट यूएसबी दो बी दिया है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली माइक्रो यूएसबी वाले फ़ोन में लगा सकते हैं, ओटीजी सपोर्ट वाले में। चलिए फ्रेंड, फिर लगा के दिखाते हैं आपको इसमें ब्लेड को। देखिए, जो ब्लेड को मोटर में फंसाएंगे किस तरह, बस इतना ही सेटअप करना है आपको, ब्लेड को मोटर में फंसाना है। बाकी काम आपको दिखाते हैं और आगे करके। चलिए, हम आपको लगा के दिखाते हैं अपने फ़ोन में, जिसमें मुझे ओटीजी सपोर्ट मिलता है। हाँ, आपके फ़ोन में ओटीजी सपोर्ट होना ज़रूरी है अगर डायरेक्टली आप इसको फ़ोन में लगा रहे हैं तो। चलिए, हम आपको लगा के दिखाएंगे कैसे वर्क करता है, सब दिखाएंगे। तब तक बने रहिए फ़ोन वीडियो पे और वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए। इस फ़ैन की सबसे बढ़िया बात यह है ना कि आप इसे कहीं भी पुट कर सकते हैं, मतलब कहीं भी ट्रैवल में ले जा सकते हैं, कहीं हॉट वेदर में, गर्मी में, तो जो बहुत आराम की चीज़ है, आप इसे हर कहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन में, जैसे मैं अभी लिखाऊंगा, देखिए मैंने फ़ोन में अपने लगा दिया है ये, लेकिन ये है कि ये चल नहीं रहा, आप देख ही रहे होंगे। इसको चलाने के लिए भी एक होता है, इसमें आपके फ़ोन में ओटीजी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ओटीजी सपोर्ट होने के साथ साथ ओटीजी ऑन भी होना ज़रूरी है। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन को लेता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, सबसे पहले जाइए आप सेटिंग पे। हाँ, मेरे फ़ोन में यही है, आपके फ़ोन में अलग अलग हो सकती है, दिखाता हूँ मैं। हाँ, देखिए एडिशनल सेटिंग, और उसके बाद यहाँ पे ओटीजी कनेक्शन। जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन कर दूँगा, मतलब इसको ओके कर दूँगा, तो ये फ़ैन की चालू हो जाएगा। ये देखिए, इसका रैपर उड़ चुका है कितने अच्छे तरीके से। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, और इसमें ज़्यादा आपको नॉइस भी नहीं देख लेगा, 25 dB की नॉइस आपको मिलेगी। और फ़ैन की जो स्पीड है वो भी बहुत बढ़िया है, हाई रेवोल्यूशन मोटर के साथ ये आता है। और बैटरी भी बहुत ही कम, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर बोले तो पूरा 5 वाट खाता है आपकी, ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम नहीं होगी फ़ोन की या किसी भी चीज़ की। और इसमें आती है आपको, इसको आप लगभग 150 घंटे कंटिन्यूस चला सकते हैं, वैसे आपके फ़ोन या किसी चीज़ में बैटरी जितनी होगी, क्योंकि ये भी बैटरी लेता है लेकिन ज़्यादा नहीं लेता है। चलिए, मैं दिखाता हूँ किस तरह से, आप देख ही रहे थे कितना अच्छे से ये वर्क कर रहा था, पेज उड़ रहे थे, रैपर उड़ रहे थे। देखिए, इसमें दो पोर्ट मिलेंगे आपको, एक यूएसबी टाइप ए और माइक्रो यूएसबी या यूएसबी टाइप बी, जैसे भी आपको इजी पड़े आप वैसे लगा सकते हैं अपने फ़ोन, यूएसबी मतलब पावर बैंक, लैपटॉप, जिसमें भी आपको जैसे सुटेबल हो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही पोर्टेबल है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, और इसको बस इसके ब्लेड को निकाल दीजिए और कहीं भी ले जाइए। वैसे तो ये थोड़ा ऑनलाइन 100 रुपये के आसपास ही आपको मिलेगा, मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा क्योंकि आपने देखा हो कैसी पैकिंग थी मेरी। और इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आपका लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ही ज़्यादा
ऊर्जा देता है काम करने के लिए इस तरह के। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आपको कोई इस फ़ैन की लिंक चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डायरेक्टली अमेजोन या फ्लिपकार्ट की लिंक दे दूँगा आपको परचेज़ करने के लिए अगर आप चाहें तो। फ्रेंड मिलते हैं फिर अगले ही ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए हमारे और वीडियो। चलिए फिर।